Hey guys, it's Shreya here and welcome to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में I am going to review the NYX Powder Puff Lippies and I've got like 4 shades and a full blown review for you guys. So let's get started with the video. But before we begin, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. Having said that, let's get started. First insert the swatches here. Like I mentioned, out of 8 shades, मेरे पास 4 shades हैं. एक peach family से है, एक mauve family से है, एक red से है और एक nude से है. So I have like 4 shades to swatch and उसके बाद मैं अपना review share करूँगी. So please enjoy the swatches. I hope that the swatches were helpful for you guys. Let's get on with the review. So the first thing that I want to mention कि इसके जो cardboard boxes हैं outer packaging वो बहुत detailed है, बहुत सारा information जो भी आपको product के बारे में पता करना है वो सब इसमें mentioned है. The date, the expiry, a price point, what is the concept behind this and all of that is like explained here on the cardboard packaging. उसके अलावा कलर कोऑर्डिनेटेड है, लाइक जो भी कलर आप खरीद रहे हो उसका स्वॉच है, प्रॉपर लिप स्वॉच पीछे है एंड उसके अलावा कलर यहाँ पे भी यू नो मेंशन्ड है, नेम भी मेंशन्ड है. तो मुझे ओवरऑल पैकेजिंग कार्डबोर्ड का आउटर पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो इज़ देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप ओपन करते हो कार्डबोर्ड बॉक्स तो अंदर ये हाउस रहते हैं, दीज आर द लिपीज दैट वी आई विल बी रिव्यूइंग टुडे एंड मुझे इनका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा लगा. दे आर सो थिन, स्लीक ट्यूब पैटर्न, यू कैन जस्ट थ्रो इट इन योर पर्स. दे आर सो ट्रैवल फ्रेंडली, बिल्कुल टूटते नहीं हैं. मैं 3-4 बार गिरा भी चुकी हूँ इनको, नथिंग हैपन्स क्योंकि इसका पैकेजिंग ट्यूब फॉर्म में है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रेकेबल है, तो मुझे वो इसका फैक्ट बहुत अच्छा लगा. प्लस इसकी पैकेजिंग पतली सी है तो आप पर्स में बहुत इजीली डाल सकते हो, आप ट्रैवलिंग में इसको ले जा सकते हो एंड दीज आर लाइक 12 ml फॉर 650 rupees. तो मुझे ओवरऑल प्राइस पॉइंट भी इसका डिसेंट लगा क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला, क्वालिटी, स्टेइंग, लॉन्ग लास्टिंग पावर सब कुछ काफ़ी डिसेंट लगा. सो 650 स्टिल ओके, बट आई रियली विश्ड इट कुड हैव बीन लाइक 450 और 500, देन इट वुड हैव बीन बेस्ट. बट स्टिल उसी फॉर्मूले में दिस प्राइस पॉइंट इज स्टिल ओके क्योंकि नायका ने भी अपने मूसी फॉर्मूले निकाले हैं लिपस्टिक्स में एंड उनका भी सेम कॉन्सेप्ट निकला है. लाइक NYX केम विद दिस पहले एंड देन नायका केम विद देयर पाउडर पफ मैट्स. तो उनका प्राइस पॉइंट इज 800 rupees एंड दीज आर स्टिल फॉर 650 rupees. तो मुझे लगता है कि ठीक है, प्राइस पॉइंट इज स्टिल अबाउट ओके एंड दीज कम इन 8 शेड्स आउट ऑफ विच आई हैव 4 शेड्स विच यू सॉ द स्वॉचेस ऑलरेडी.
तो मेरा ऑब्जर्वेशन इनके बारे में ये है कि व्हेन यू फर्स्ट पुट दिस ऑन, ये एकदम मतलब इट ग्लाइड्स लाइक अ क्रीमी वेलवेट फिनिश. अभी भी इफ यू कैन सी ये क्रीमी वेलवेट फिनिश ही दिख रहा है बिकॉज दिस टेक्स अराउंड 10 मिनट्स टू गेट सेटल इन टू अ पाउडर मैट फॉर्मूला विच ऑनेस्टली आई डोंट लाइक बिकॉज 10 मिनट्स इज अ लॉट ऑफ ड्यूरेशन फॉर दिस टू सेटल डाउन. इस बीच में अगर मैंने कॉफ़ी या कुछ पी लिया तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है. एंड एनी वेज दिस इज नॉट अ ट्रांसफ़र प्रूफ फार्मूला, ये कम्फर्टेबल मूसी मैट फार्मूला है एंड ये डेफिनेटली ट्रांसफ़र होता है. Even I can show it to you now, but it does transfer. So yeah, it transfers crazily, especially when it has not set. अभी ये set नहीं हुआ है into a mat, so this transfers more. Once like after 10 minutes, जब ये settle हो जाता है, उसके बाद ये थोड़ा कम transfer करता है, but it still transfers. Okay. एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है जो लाइटर शेड्स हैं, ये दो मेरे पास लाइटर शेड्स हैं, तो ये जो दो लाइटर शेड्स हैं, वन इज़ अ कूल इंटेंशन शेड एंड दिस शेड इज़ पपी लव. तो ये जो दो शेड्स हैं इनका लॉन्ग लास्टिंग, इनका पार लास्ट करने का उतना ज़्यादा नहीं है. दीज स्टे फॉर अराउंड 2 hours एंड इफ आई ईट एनीथिंग ऑयली इन बिटवीन देन इट्स गॉन. These don't like, the lighter shades do not last that longer, plus they don't leave any pigmentation on the lips, so it's like completely wiped off after 2 hours or so. जो darker shades हैं वो however मेरे lips पे ज़्यादा देर तक टिकते हैं, they are more long lasting and they leave a thick pigmentation even when they wear off. तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि 3-4 घंटे बाद भी अगर मैंने कुछ खाया है तो मेरे lips पे वो pigmentation रहता है and I suddenly don't look very bare faced having these, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है. Also I like the fact कि ये बहुत प्यारा मूसी comfortable lipstick है, बिल्कुल भी drying या uncomfortable नहीं लगता. But anyways it settles down into a matte, तो it is better and it is recommended कि आप थोड़ा prep करो पहले से ताकि आपके lips ready रहे वो dryness को handle करने के लिए. But honestly ये मेरे ऊपर बिल्कुल dry नहीं होते, तो but I'm just saying कि अगर आपका dry lips है, चैप लिप्स है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने लिप्स को. मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे लिप्स उतने ड्राई भी नहीं है, तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है. इसके अलावा इसमें कोई भी टिंगलिंग सेंसेशन या पेपरमिंटी सेंसेशन नहीं है. दीज डू नॉट गिव दैट प्लम्पिंग इफेक्ट विच आई लाइक. मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता व्हेन अ लिपस्टिक गिव्स मी दैट प्लम्पिंग इफेक्ट. तो इसका फॉर्मूला मूसी पाउडर फिनिश है एंड दिस डज नॉट गिव दैट प्लम्पिंग इफेक्ट. इट्स वेरी 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 कंफर्टेबल टू वेयर. द ओनली कॉन इन ऑल ऑफ दिस फॉर मी विल बी दैट इट इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो टिप एप्लीकेटर है वो आपने देखा ही कि यू नो इट इज़ लाइक दिस. और इसका ये जो एप्लीकेटर है ये पफी एप्लीकेटर है, पिलो कुशन टाइप का लगता है. एंड व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर लिप्स, मुझे पहले लगा था कि इनकन्वीनियंट होगा, बट नो इट इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट. समटाइम्स तो आई जस्ट प्रेस दिस इन बिटवीन एंड जस्ट वाइप इट ऑफ, लाइक ऐसे दबा के मैं ऐसे कर देती हूँ एंड ओवरऑल लिपस्टिक लग जाता है. इट्स जस्ट वेरी कन्वीनियंट फॉर लेजी पीपल. तो मुझे ओवरऑल ये अच्छा लगा. मुझे सिर्फ एक कंसर्न है कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर कुछ दिन तक मैंने ये लिपस्टिक रखे रहे और मैंने यूज़ नहीं किए तो हो सकता है कि इसमें कुछ फंगस या इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, क्योंकि वो एक स्पंज टाइप का एप्लीकेटर है. इट्स नॉट अ डो फुट एप्लीकेटर दो, इट्स लाइक अ पफी एप्लीकेटर. तो मुझे ऐसा लगता है कि द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट जर्म्स एंड डस्ट आई थिंक विल बी मोर एंड इट विल सक इन दैट मोर. आई एम नॉट सो श्योर, मैंने अभी खरीदे हैं तो मुझे पता नहीं कि वो होगा या नहीं, बट वो एक कंसर्न मुझे ज़रूर है इनके साथ. तो आपने देखा ही इसका यूसेज कैसा है. यू जस्ट प्रेस दिस ट्यूब एंड देन द प्रोडक्ट ऊजेज आउट फ्रॉम द पफ एप्लीकेटर. उसके बाद से देर इज़ नो गोइंग बैक. लाइक एवरी टाइम यू वॉन्ट टू यूज़ इट, यू जस्ट पुश अ लिटिल प्रोडक्ट एंड यू यूज़ इट. इसका एक कॉन एक और है कि अगर आपने गलती से ज़्यादा प्रेस कर दिया तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है एंड देन इट विल गो वेस्ट, क्योंकि वापस अंदर डालने का कोई तरीका नहीं है ऑब्वियसली. So guys, that was my overall take about this. I will rate around 8 out of 10 to these lippies. I like the shade range. 8 shades hain which are like decent and mere paas har shade family ka ek shade tha. तो आई एम श्योर कि ये रिव्यू आपको हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली इफ़ यूर NC42. यू विल नो दैट द लाइटर शेड्स आर एक्चुअली नॉट सो गुड, दे वर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट ऑन मी, बट द डार्कर शेड्स वर लुकिंग ब्यूटिफुल.
आई होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग द रिव्यू एंड लेट मी नो कि आपको क्या कौन सा शेड सबसे अच्छा लगा या आपका टेक क्या है इनके बारे में. व्हाट डू यू फील अबाउट दीज लिपीज एंड आपको नेक्स्ट एज अ ब्रांड कैसे लगता है. लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स मेक दैट एरिया चैटी. Also subscribe to my channel, hit the bell notification and follow me on Instagram and I will see you very soon in my next video. Bye!